शनिवार की शाम हो चुकी है और रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम का समय हो चुका है मन की आंखों से इस कार्यक्रम का। दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ और एक नए साथी को लेकर के। मन की आंखों से इस कार्यक्रम में, जैसे आप सभी को पता है, हम अपनी दृष्टिबाधित साथियों के जीवन की चुनौतियों के बारे में जानते हैं, तो फिर वो उन चुनौतियों को कैसे सामना कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं। और कई बार उनकी एक अपेक्षा रहती है कि जो भी दृष्टिवान साथी है उनके साथ एक समानता के साथ व्यवहार करे इन चीजों का। तो चलिए, आज हमारे साथ जो मेहमान है स्टूडियो में, उनकी क्या कहानी है और वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं अपनी चैलेंजेस को लेकर के, तो हम स्वागत करते हैं जितेंद्र कुमार पुरोहित जी को। आप जालौर से हैं लेकिन इस वक्त मेरे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में हैं। तो जितेंद्र जी, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं जी। सो जितेंद्र जी, आप पेशे से एक मैथमेटिक्स टीचर हैं जी और जालौर से हैं जी। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सच बताऊं तो मैं बहुत वीक हूँ मैथमेटिक्स में, और मैंने कोशिश किया कि 10th के बाद मैं कभी मैथ्स नहीं पढ़ूं, लेकिन मैथ्स में इतने सारी फिगर्स होते हैं, इतने सारे उसकी जो साइंस होते हैं, साइन लैंग्वेज बहुत होता है उसमें, तो कैसे आप कर लेते हैं ये सभी चीजें और आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं जी। तो सबसे पहले तो मैडम, मैं 90.4 FM रेडियो मधुबन से सभी श्रोताओं को, मैं जितेंद्र पुरोहित, ओम शांति जी। और मैं रेडियो मधुबन की ओर से दो लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को आज यहाँ आने का मौका मिला, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई थी उस माध्यम से। तो दो लाइनें कह रहा हूँ कि उगता हुआ सूरज रोशनी देगा आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी देगा आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू देगा आपको, हम तो क्या देंगे आपको, देने वाला हजारों खुशियां देगा आपको। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप चला रहे हो और मैं रेगुलर अपने यूट्यूब के माध्यम से रेडियो मधुबन को सुनता हूँ, और ये प्रोग्राम भी हमारा, ये एक भी और आता है मधुबन से, और ये मन की आंखों वाला प्रोग्राम मैं रेगुलर सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इतना रेगुलर फॉलो करते हैं रेडियो मधुबन को और सारे प्रोग्राम को सुनते हैं, तो हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और मेरा मैडम पूर्ण परिचय है, मैं गाँव राम सिंह जो जसनपुर ब्लॉक में आता है जी, और मेरा नाम जितेंद्र कुमार पुरोहित, जो आपने अभी सभी श्रोता को बताया, और मैं पेशे से 3rd grade टीचर, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय भील गोलिया राम सिंह, जो राम सिंह में छोटा सा एरिया है, वहाँ कार्यरत हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, सो आप कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। मैडम क्या है कि जब मैं स्टार्टिंग में मेरी जॉब ज्वाइनिंग हुई जी, क्योंकि मेरी जो पैतृक पढ़ाई है वो भी नॉर्मल स्कूल से हुई है। अच्छा, मेरी जो ब्लाइंडनेस था ये बाद में हुई 2004, यानी स्टार्टिंग में मेरे को नाइट में समस्या थी, लेकिन मैं दिन में मेरे को काफी दिखाई देता था। अच्छा, तो अपने जो दैनिक कार्य है वो मैं कर लेता था, और मेरे को महसूस उस टाइम नहीं हुआ कि मैं ब्लाइंड हूँ और अपने क्योंकि हर काम कर लेता था, स्कूल भी जाना आना हो जाता था जी, और स्कूल में बकायदा मेरे साथ नॉर्मल बच्चे भी चलते थे, उनकी ही अपेक्षा में मैं स्पीड से चलता था। अच्छा। तो वो मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे। अच्छा। और मेरी बचपन से ही, छोटी उम्र से ही मेरी जो इच्छा है सीखने की और जिज्ञासा है वो मेरी बनी रही, और मेरा जो पढ़ाई का जो आरंभ हुआ वो मेरी मदर ने, मेरे को, मेरा सौभाग्य है कि काफी जो हमारे ब्लाइंड साथी है जी, उनको वो पढ़ाई में जल्दी से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि गांवों में तो और ही दयनीय स्थिति है। अच्छा। शहर में तो स्कूलें होती हैं, उनके शिक्षित पेरेंट्स होते हैं, तो लगभग उनको जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन गांवों में बहुत दयनीय स्थिति है जी। इसके कारण मेरे को नॉर्मल स्कूल में मेरे मम्मी ने एडमिशन करवाया जी, जो जय भारती के नाम से प्राइवेट स्कूल था, वहाँ मैं जाता था। और छोटी उम्र में कहती है मम्मी, कभी बात करती है, चलो उस टाइम मैं छोटा होगा तो आपको क्या गोद में लेके मैं पढ़ाई करवाने वाले स्कूल छोड़ने आती थी, और छोटे बच्चे रोते हैं तो मैं भी रोता था रोते रोते स्कूल गया, और स्कूल में मेरे को जो पढ़ाई के टाइम भी मेरे को समस्या आती थी, क्योंकि नाइट में तो कम दिखता था, और जब मैं क्लास में बैठता था तो कई ऐसी क्लासे भी होती थी जहाँ अंधेरा पड़ता था, तो वहाँ मेरे को समस्या रहती थी। तो मेरे पास एक बच्चा बैठता था जो नॉर्मल होता था क्लास में, अमूमन अपने फ्रेंड होते वो बैठते ही है जी। तो बोर्ड मेरे दूर पड़ता था, मेरे को दिखाई देता नहीं था,
पढ़ाई भी करनी जरूरी थी। तो मैं क्या करता था कि जब वो बच्चा वो खुद के भी लिखता था और वो बोल बोल के लिखता था, तो मैं उनको सुनता था और मेरी कॉपी में मैं नोट कर लेता था। ओके। और उसके बाद नोट करते करते जब मेरे जो राइटिंग थी वो थोड़ी खराब आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम भी समस्या थी रेटिना की, मेरे को समस्या है, तो टीचर वगैरह भी डांटते भी थे मेरे को। अच्छा। कि ऐसे कैसे, क्योंकि उनको अंगूठे तक मैं सामान्य काम करता घूमता फिरता था, तो उनके लिए मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि भाई ये इसके प्रॉब्लम है आंखों की। तो वो डांटते थे कि ऐसी राइटिंग क्यों लिखता है, ऐसे क्यों लिखता है, सही करके ला। लेकिन मैंने आज तक किसी हमारे मेरा सौभाग्य कि मैं बड़ों को किसी सामने नहीं बोला, ना उससे मैंने गंदा की कभी। अब उनको समस्या आता सुनना भी पड़ेगा, तो सुनते सुनते मैं आगे बढ़ता रह गया। और 6-8 मैंने दूसरी स्कूल में एडमिशन लिया जो हमारे गांव में ही है। उसमें तो आपने बताया क्यों नहीं टीचर्स को कि आपको दिखता नहीं? उस टाइम मैडम हम छोटे थे तो थोड़ा भय भी रहता था कि टीचर को कैसे बताए। अच्छा। और झिझक भी रहती थी जी। उस टाइम उम्र मेरी होगी लगभग, मैं 3-1 साल का एडमिशन मेरे को करा दिया था 3-4 साल का। मतलब आपको बचपन से ही नाइट ब्लाइंडनेस था? जी। ओके जी। तो फिर आगे जब पढ़ाई किया? जी, तो मैं आगे पढ़ाई करता रहा। उसके बाद मैंने जो 10th या माउंट आबू में मेरे को मैंने 8वीं पास कर दी 2004 में। अच्छा। 8th क्लास। अच्छा। तो मैं जब माउंट आबू कब आए? जो वही मैडम मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो 8th क्लास पास किया मैंने। और मैं क्योंकि उस टाइम तो नॉलेज ही नहीं था ब्लाइंड स्कूल का गांव में कि भाई है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो भी मेरे फादर है वो फार्मर है और वो अशिक्षित भी है, तो इतना वो बाहर आना जाना भी उनका नहीं रहता था और मैं भी कभी गांव से बाहर भी नहीं निकला था उस टाइम। तो मैं सीनियर स्कूल में जो हमारे गांव में ही है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम से, तो वहाँ एडमिशन के लिए 9th क्लास में मैं गया। तो मेरे को देखा कि भाई ये तो ब्लाइंड है, पढ़ेगा कैसे, क्योंकि मैंने 8वीं के जो बोर्ड पेपर थे वो भी उसी स्कूल से दिए थे। तो उस टाइम मेरे को समस्या हो गई थी, तो राइटर का मालूम नहीं था, लेकिन मैंने टीचर के माध्यम से ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट आता है जो ब्लाइंड का वो बनवाया, और उस टाइम भी मेरे को राइटर प्राप्त नहीं हुआ। तो मेरे आगे एक लड़का बैठता था और मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था, तो क्या करता था जो नॉर्मल बच्चे थे तो टेस्ट वगैरह होता था तो मेरे आसपास में बैठ जाते थे और वो मेरे को पूछते थे कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। मैं बताता था जब मौखिक होती थी तो मेरे नंबर ज्यादा आ जाते थे और लिखित में मेरे नंबर कम आ जाते थे। तो 8वीं में एडमिशन कराया तो इसको तो दिखाई देता नहीं है, तो हम इसको एडमिशन यहाँ नहीं लेंगे। अब गाड़ी वहां रुक गई। अच्छा। उसके बाद मैंने मतलब आप 8वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते आपकी दिन में भी रोशनी कमजोर हो गई? उस टाइम मैडम था, चलता फिरता था, साइकिल भी चला लेता था, थी रोशनी, लेकिन मेरी रोशनी जो कम हुई है वो माउंट आबू आने के बाद हुई है। अच्छा। माउंट आबू में आया उस टाइम भी मेरे पार्शली ब्लाइंड था, कहते दिखाई देता था, अपनी दैनिक क्रिया में चला लेता था। नहीं, माउंट आबू कब आया और क्यों आया? हाँ, तो माउंट आबू में जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गया सीनियर में तो मेरे को मना कर दिया गया, तो अब मेरे रास्ते बंद हो गए। तो मेरे जो यहाँ पास में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सवराटा गांव करके है, तो वहाँ मेरी बुआ है, तो वो भी ब्लाइंड थी, तो उनके जो हस्बैंड थे वो टीचर थे। अच्छा। तो मैं वहाँ आया तो वहाँ मेरा विचार था अजमेर ब्लाइंड स्कूल में जाने का। अच्छा। वहाँ बात हुई एक अजमेर के गांव का एक ब्लाइंड लड़का था सवराठा में, वो उसने अजमेर से पढ़ाई की थी सोमाराम करके थे, तो उनको वहाँ घर में बुलाया उन्होंने, नहीं ये भाई हमारा ये भी है साले का लड़का ये ब्लाइंड है, मेरे जी फूफा ने कहा, तो उसको भी कई ब्लाइंड स्कूल में ले जाते कि भाई मैं अजमेर पढ़ता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, आने के बाद इसको हम ले जाएंगे वहाँ अजमेर। तो चलो 2-3 दिन भी वहाँ माउंट आबू आके बताने भी आ रहे थे मेरे फूफा के वगैरह। तो हम यहाँ आए जो तलेटी अपना ओम शांति कहीं है वहाँ हॉस्पिटल में हम आए, तो ये भंवर और इनके साथ हमारे एक साथी और थे दुर्गाराम करके जो बाड़मेर से है, ये दोनों भी यहाँ आके बताने के लिए आए थे। अच्छा। 2004 की बात है। अच्छा। तो हम यहाँ मिले, डॉक्टरों ने हमारे आके भंवर सिंह और उनसे मेरे को मिलवाया, तो उन्होंने बताया कि ब्लाइंड स्कूल है यहाँ माउंट आबू में भी है, हम भी पढ़ते हैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करते, सारी कहानी बता दी और उनकी कहानी सुन के मैं वापिस घर गया। घर जाके 2-3 दिन बाद वापिस रिटर्न में माउंट आबू आ गया। अच्छा। और माउंट आबू आते ही मेरा वो एडमिशन हो गया और वहां से मेरी माउंट आबू में पढ़ाई आरम्भ हो गई। अच्छा। तो भंवर सिंह जी और आप दोनों एक साथ क्लासमेट थे? जी, साथ में पढ़ाई किया। जी, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कहाँ तक प्रॉपर स्कूल में पढ़ाई किए थे? 8वीं तक।
आठवीं तक की। आठवीं के बाद जब ऐसे मैंने मेरी जो पढ़ाई पूरी की पूरी हुई है वो नॉर्मल स्कूल, बाद में मैंने प्राइवेट की है, स्कूलों में नहीं की, टीचर की हेल्प मैंने एट तक ही ली है, उसके बाद स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में मैंने आगे की पढ़ाई पूरी आरंभ की। मतलब ऑडियो कैसेट सुनते करते थे जी। लेकिन जो आप मैथमेटिक्स टीचर है तो इसके लिए तो आपको आगे बहुत पढ़ाई करनी होगी, किए होंगे ना जी। तो उसके बाद मैंने माउंट आबू में एडमिशन लिया, तो वहां से मेरा ब्लाइंड फील्ड से जुड़ने का और टर्निंग पॉइंट हो गया कि ब्लाइंड फील्ड में हम कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, वहाँ शिक्षकों के माध्यम से, हमारे फ्रेंडों के माध्यम से मेरे को पूरी जानकारी मिली जी। और भाई ब्लाइंड होता है वो राइटर लेता है, ऐसे ऐसे पढ़ाई करता है। तो 2004 से 5 तक मैं माउंट आबू में रहा और वहाँ पे भी मेरी एक्टिविटियां काफी अच्छी थी, और 12 महीनों में मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वहां से 2000 जो कहते हैं कि 10th और 8th के बीच में अपन को गैप चाहिए, वो उस समय को मैंने दुरुपयोग ना करके सदुपयोग के रूप में 1 साल में माउंट आबू रहा और मेरा गैप भी हो गया। और 2005 से मैंने 10th में ये जो अजमेर बोर्ड से प्राविक फॉर्म भरा और 2006 में मेरी 10वीं भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने ओपन बोर्ड से 12वीं का फॉर्म भरा, जो आमतौर जो करते हैं जो शिक्षा से जुड़ नहीं पाते उनके लिए ओपन बोर्ड का ऑप्शन है और वो कर लेते। तो 12वीं मैंने ओपन बोर्ड से की, जिसमें मेरे जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी पॉलिटिकल और ये हिस्ट्री रही। और उसके बाद मैंने 12वीं पास करके तुरंत 2009 में जो BSTC का जो प्री टेस्ट होता है वो दिया। तो 2009 में मैंने प्री टेस्ट दिया और मेरा एडमिशन हुआ BSTC में, हो गया। और हमारे उसमें भी मेरे समस्या आ गई, क्योंकि मैं समस्या से हमेशा जूझता रहा हूँ और समस्याओं का सामना करके मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। अच्छा। मैं रुका नहीं, क्योंकि समस्या जीवन में आती है, लेकिन उन समस्याओं को देख कर रुको मत, उनका सामना करो और उसका हाल निकालो और आगे बढ़ो। अपन समस्या को लेकर बैठ जाएंगे तो वो जिंदगी रुक जाएगी। तो मैंने जब एडमिशन में किया तो हमारे ब्लाइंड फील्ड में समस्या भी आती है कि हम फॉर्म भरवाते तो ई मित्र माध्यम से या कहीं से भी माध्यम से भरवा देते हैं, तो वह वो फॉर्म भरते तो वह कहीं ना कहीं मिस्टेक या तो कैटेगरी में हो जाती है, इतनी गांवों में जानकारी नहीं रहती। तो मेरे BSTC में जो कैटेगरी थी एडमिशन होने के बाद मेरी कैटेगरी जो SC आ गई, खैर मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो वो SC आ गई। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो ब्लाइंड कोटे से हुआ था, तो मैं वहाँ एडमिशन लेने गया तो उन्होंने मेरे को रोक दिया कि आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। और समस्या भी होती है, काफी जगह ब्लाइंडों को रोका भी जाता है क्योंकि कैसे पढ़ाई करेगा, क्या उनके वो भ्रांतियां होती है, कैसे पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, हमें भी समस्या हो गई तो उनको जैसे तैसे करके यहाँ से निकालो। लेकिन वहां पे भी मैं अड़ा रहा। अब मेरी समस्या आई है तो कि मेरी तो ये गलती है नहीं, तो उन्होंने कहा कि चलो हम अजमेर फैक्स करेंगे। पहले अजमेर बोर्ड करवाता था BSTC, तो वहां से अगर हमें स्वीकृति मिल गई तो आपका एडमिशन हम ले लेंगे BSTC में। और सौभाग्य से वहां से भी मेरी को स्वीकृति मिल गई और STC में मेरा एडमिशन हो गया। और 2 साल तक मैंने BSTC जो प्राइमरी स्कूल में लगने के लिए जो कोर्स होता है वो मैंने 2 साल का किया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब 8वीं कक्षा से आपने प्राइवेट में पढ़ाई की है जी, और तब तक आपकी रोशनी कमजोर हो चुकी है। मेरी रोशनी मैडम वही माउंट आबू में 2004 और 5 के मध्य में 5 तक में टोटली ब्लाइंड हो गया था। और यहाँ आता था तो हम जब मंदिरों में घुमाने के लिए लेके जाते थे टीचर शाम के टाइम, तो मैं उल्टा जो टोटली ब्लाइंड होते थे उनको पकड़ के ले जाता था। लेकिन जितेंद्र जी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी, आप मैथ्स कैसे पढ़ाते? हाँ वो मैडम जब स्कूलों में जो प्राइमरी टीचर होता है जी, उसको हर सब्जेक्ट पढ़ानी पड़ती है। ओके। तो मेरी जो BSTC कंप्लीट हो गई और BSTC कंप्लीट होने के बाद मेरा जो 20वें ही वो RTET करके आया था एग्जाम वो दिया, वो देने के बाद मैं 3rd ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया और आ गया। उसके बाद मेरे पास चुनौती रही, अब मैं मैथ कैसे पढ़ाऊंगा जी। और उस टाइम मेरे को ब्लाइंड बच्चे होते उनसे तो चलो ब्रेल और उससे अपन पढ़ा सकते थे, लेकिन ब्रेल में भी पढ़ाएंगे और तो नॉर्मल बच्चे समझ नहीं पाएंगे जी। अब दोनों को समझौते से चलना है कि मैं पढ़ाऊ वो नॉर्मल बच्चों को समझ में भी आ जाए और नॉर्मल बच्चे जो कर रहे हैं वो मैं भी समझ सकूं, ऐसी परिस्थिति आ गई जी। तो मैंने बैठे बैठे मन में विचार किया कि हम कैसे पढ़ाएंगे इनके साथ जी। लग तो गए और बैठे बैठे भी जो रोटी है वो लेनी नहीं है, ऐसा मेरे में जज्बा था कि आराम की जो कमाई है वो मैडम काम नहीं आती। तो मैंने कहा कि चलो अपन जाए कुछ करके करे, चलो फोगट की फिक्र कुछ ना कुछ तो करे वहां जाके। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं ऐसा बोर्ड बनाऊं जिसमें मैं लिखूं और एक दूसरे पे अक्षर वो है वो नहीं आए, क्योंकि मैंने पढ़ाई आगे नॉर्मल स्कूल में की थी तो मेरे को अल्फाबेट का ज्ञान तो था ही,
प्लस माइनस का मेरे को ज्ञान था ही जी, ये कैसे लिखते ये क्या लिखते, तो मैंने वो विचार किया कि एक दूसरे के ऊपर अक्षर नहीं आना चाहिए। तो मैंने एक बोर्ड बनवाया जो आमतौर पर जो पहली दूसरी के बच्चे होते हैं उनकी कॉपियां होती है मैथ की जी, जो क्यारिया टाइप होती है हाँ। तो ऐसा मैंने बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में दो ऊपर की लाइन है वो तो मैंने सिंपल बना दी जो हिंदी के कोई दिनांक वगैरह लिखने के लिए, और नीचे की लाइन दो भी वो भी मैंने सिंपल बना दी, उसमें जो जोड़ बाकी गुना भाग होते छोटे बच्चे वो लाइन खींच खींच के ऐसे सीखते हैं, तो वो लाइनें खींचने के लिए मैंने दो लाइनें नीचे बना दी, और 20 का जो बोर्ड है उसमें 100 जो कैरिया है वो बना दी ताकि वो गिनती 100 तक ही होती है, तो पहली दूसरी में आमतौर जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह वही होता है। तो मैंने उस तरह से वो बोर्ड बनाया और मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, और लिखने के बाद भी चलो अपन वेरीफाई है कि अगले वाला बच्चा जो समझ रहा है या नहीं समझ रहा जी। उसके लिए मैं लिखता भी हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि मैंने क्या लिखा है ये, तो वो बच्चे पढ़ लेते हैं तो मेरे साथ भी वो वेरीफाई हो जाता है कि बच्चा समझ गया, अब गलत बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ अपन लिख रहे वो बच्चों को समझ में नहीं आता। अब रही कॉप बोर्ड पे लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे ने लिखा उसको सेक कैसे करना, वो मैं बच्चों की हेल्प लेता हूँ, कहीं ना कहीं मैडम उनको हेल्प की भी जरूरत होती है, तो मैं बच्चों की हेल्प लेता हूँ कि तूने क्या लिखा है, तो भाई ऊपर क्या है उसके नीचे इकाई का अंक क्या है डाई का अंक क्या है इकाई के नीचे इकाई क्या है, उनको वो बोलता जाता है तो मैं अपने माइंड में काउंट करता जाता हूँ। अब लास्ट में उसको पूछा कि तूने नीचे क्या लिखा, मैं पहले नहीं बोलता, बच्चों को पूछता हूँ कि तूने क्या लिखा जी, तो वो बताया कि मैंने इतना लिखा, तो चलो अपना आंसर सही है, ऊपर कैसे किया, तो मैंने कहा ऐसे किया। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस टाइम उनको आसपास के उदाहरण भी दे देता हूँ, जैसे हम कोई घटाव कर रहे हैं तो घटाव करते समय ऊपर 3 है और नीचे 4 है जी, तो उसको पढ़ाते हैं कि भाई 3 में से 4 तू निकाल, तो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी कह के कहते 1 आ जाता है क्योंकि संख्या को उसको 4 में से 3 घटा देता है, ऊपर 3 है छोटी संख्या है जी। तो मैं उसको कंकड़ वगैरह लेता 3 कंकड़ देता हूँ, या उसको उदाहरण देता हूँ कि चल मैं तेरे को 3 रुपए देता हूँ और दुकान पे जाके पास में जो दुकानें होती है वहां जाके 4 रुपए की चीज लेके आ, कोई पेंसिल लेके आ रबर लेके आ, तो सर क्या वो तो देंगे भी नहीं, क्यों नहीं देंगे, तो वो कहता सर पैसे कम है, तो देख पैसे कम है तो भाई वो नहीं देगा, तो इसी तरह ऊपर 3 है उसको उदाहरण देता 3 है तो 3 में से 4 नहीं जाता तो तू क्या करेगा, तो वो बच्चा कहता कि सर आपके पास लेने आऊंगा, तो मान लो मैं मिकी दूर बैठा हो तो मेरे पास कैसे आएगा, तो कहता है कि सर तेरे साथ मैं उसको उदाहरण दे देता कि एक बच्चा भेज रहा हो तेरे को और इसके पास पैसे है तेरा दोस्त है तो तू क्या करेगा, तो कह सर मैं इसके पास उधार ले लूंगा आने के बाद दे दूंगा उसको, तो बाद में वापस मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ तो ये 3 है इस 3 के पास कौन है, तो कि 4 लिखा हुआ था, तो बोलता 4 है दाई में क्या है, तो कि 4 है, तो ये 3 का दोस्त जो दाई है ये इसके पास रहता है इसका मतलब ये इसका दोस्त है तो ये इसके पास उधार लेगा, ऐसे करके बच्चों को समझा देता हूँ और अपना काम मैडम हो रहा है। अरे वाह क्या बात है। और मैं जो सीनियर हमारे स्कूल में जो स्टाफ 4 है जी, तो सीनियर होने के नाते स्कूल का कार्यभाग भी मैं ही हूँ, प्रधानाचार्य के पद पे भी मैं ही हूँ, और मेरे साथी स्टाफ है जी, जो तीनों लेडीज है जी, तो वो भी उनकी भी क्योंकि हम भला तो जग भला तो उनके साथ समझे कि हम रहते हैं जी, और उनकी जरूरत होती है तो वो हम काम कर लेते हैं, और हमारी जरूरत होती है तो अपना काम मेरा काम वो निकाल देती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री काम वगैरह होता है तो वो मैडम हेल्प कर देती है, मना नहीं करती, और ऑनलाइन का काम वगैरह होता है जी, तो आजकल तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम है जी, तो इसके माध्यम से मैं YouTube वगैरह पर सारा लेके कौन सी चीज कोई आगे से आदेश आता है कि भाई ये ऑनलाइन चढ़ाओ ये ऑनलाइन चढ़ाओ, तो उसके माध्यम से मैं YouTube पे सर्च कर देता हूँ, और स्कूल में जो प्रिंटर वगैरह है तो मैडमों को बता देता हूँ कि ये इसमें इस फंक्शन में जाओ इस फंक्शन में जाओ, क्योंकि हमारे जो टॉक के साथ साला दर्पण वगैरह की उसकी समस्या आ जाती है तो उनकी हेल्प लेके वो मैं काम उनको बता देता हूँ, गाइडेंस कर लेता हूँ, वो काम कर लेते। बहुत खूब। अच्छा जितेंद्र जी जी, ये मैथ्स तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया जी, तो कौन सी कक्षा तक बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मैडम मेरा स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक ही। अच्छा, तो 5वीं तक के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आप जी? बहुत अच्छा। तो फिर पेरेंट्स की कभी शिकायत नहीं होती है? नहीं मैडम, ये है कि जो बच्चे होते हैं मैडम, ये मैंने देख लिया कि ब्लाइंड के साथ या कोई दिव्यांग टीचर होता है उसके साथ उनका लगाव और जुड़ाव ज्यादा होता है, और बकायदा जब मेरी पोस्टिंग हुई तो हमारे विद्यालय जो है जी, वो मर्ज होने वाला था क्योंकि वह नामांकन ही नहीं था, और मेरी पोस्टिंग हुई है 2013 में, तो 13 में और आज की उस स्कूल की स्थिति है प्राइमरी तक 113 का नामांकन है, 100 से अबो है, बकायदा गवर्नमेंट स्कूलों में 100 से अबो होना में मुश्किल है क्योंकि वो एरिया है वो भी पूरा वो भील बस्ती है जहाँ भीलों की संख्या ज्यादा है, तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनके बच्चे की हेल्प लेके उनके घर में भी जाता हूँ
और जो बच्चा नहीं आता रेगुलर उसको उनके पेरेंट्स के आगे पकड़ के उनको स्कूल में लाता हूँ और उनको भी मोटिवेट कहता हूँ कि चलो आप नहीं पढ़े तो आप तो आपकी जिंदगी तो आपने निकाल दी, लेकिन आने वाला समय है वो घातक है। अगर जो बच्चा शिक्षित नहीं हो पाया तो वो अपनी जिंदगी निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो उनको ऐसे मोटिवेट करता हूँ और वो बच्चों को भेज देते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे आठवीं कक्षा तक तो आपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर लिया जी, लेकिन उसके बाद जैसे आपकी दृष्टि कमजोर होती गई जी, तो किस प्रकार का सपोर्ट रहा, क्या रिस्पांस रहा आपकी परिवार में, आपके खुद के भाई बहने अड़ोस पड़ोस का? जी तो मैडम मैं क्या कि जो आठवीं तक पढ़ा उसके बाद मैं माउंट आबू आ गया, तो उसके साथ मेरे परिवार का हमेशा मेरा साथ रहा, किसी भी माध्यम से आर्थिक दृष्टि दो और हेल्प के माध्यम से मैडम, क्योंकि वो अशिक्षित थे तो इतना बाहर नहीं आ पाते थे, जिसके माध्यम से हमने अभी मैंने कहा कि हम भला तो जग भला तो वहां मैंने अपनी दोस्ती बढ़ाई नॉर्मल बच्चों के साथ जी, और ऐसी दोस्ती बनाई कि मैं कभी भी उन बच्चों को जो मेरे पास दोस्त रहते उनको मैं फोन करता हूँ कि मेरे को वहां जाना है, तो वो अपना काम छोड़ के भी मेरे साथ आ जाते थे कहीं भी जाओ। और मेरे जो साथी है वो भी आज कई है जो थर्ड ग्रेड वगैरह पे सेकंड ग्रेड पे लगे हुए, और मेरी उन्होंने हेल्प की, चलो मेरी दुआ लगी होगी उनको और वो भी सक्सेस हो गई और उनकी हेल्प लेके मैं आगे बढ़ता रहा जी। जी बहुत अच्छा है। सो जितेंद्र जी जी, आप अकेले हैं, आपके परिवार में? नहीं मैडम, मैं भाई बहने हैं, हमेशा मेरा सौभाग्य है कि मैं परिवार के साथ ही हूँ। हाँ। और मेरी जो पोस्टिंग है वो भी मेरे घर के पास ही है। अच्छा, बिल्कुल, मान लो वहाँ स्कूल में जो घंटी बजती है वो मेरे घर तक सुनाई देती है। क्या बात। और घंटी भी मैडम मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं 2013 से लेकर आज तक मैं स्कूल में कभी लेट नहीं हुआ, मैं समय से ही जाता हूँ, स्कूल भी खोलने का काम मैं ही करता हूँ, और आते हुए टीचर का मुंह देखता हूँ और जाते हुए टीचर की मैं पीठ देखता हूँ। ओके जी जी, मतलब आप इतने नियम के अनुसार जी आप अपना काम करते हैं। और बहुत अच्छा मैं है। जो समाज सेवी कार्य है उनमें भी जो पेड़ लगाना वगैरह जैसे बामासा वगैरह तैयार करके मैं काम करता हूँ, और जो हमारे विद्यालय गांव में एक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल करके तो उनका भी संस्कार केंद्र हमारे स्कूल में चलाते जी, जैसे जो गरीब बच्चे है वो उससे जुड़े और उनको संस्कार भी मिले, ऐसा काम चलाते। और गरीब बच्चों में जैसे गरीब घरों में लाइट की सुविधा नहीं होती तो हम संस्कार स्कूल के केंद्र के माध्यम से हम सोल लाइट होती है, दो बल्ब वगैरह आता है और एक प्लेट आती है, तो वो उन घरों तक पहुंचाते हैं, उनके घर में रोशनी हम ले जाते हैं। बहुत अच्छा। आगे आपको पढ़ाई करना और क्या विचार है कि अभी मैडम मैंने जॉब करने के बाद मेरी बीए कंप्लीट है जी, एमए भी कर दी और मैंने बीएड भी कर दी। अरे वाह, क्या बात है जी। सो आपकी भाई बहने हैं? जी मैडम, मेरा एक बड़ा भाई है जी और एक छोटी बहन है, मेरे से 3.5 साल छोटी। तो वो दोनों क्या करते हैं अभी? जो बड़ा भाई है वो फिलहाल बेंगलोर में उसके कपड़ों की दुकान है। अच्छा। और छोटी बहन है उसकी शादी हो गई और उनके जो हस्बैंड है वो तमिलनाडु तिरुची में अपनी साड़ियों की दुकान है, वहाँ काम करते हैं, और बहन भी उनके साथ है और उनके दो बच्चे हैं। अच्छा, तो जब आपका ये जो दृष्टि चला गया है तो उस समय आपकी भाई बहने आपको कोऑपरेट करते थे या फिर चिढ़ाते थे, क्या व्यवहार रहता था? ऐसे मैडम मेरे लगभग समस्या आई नहीं। अच्छा, ओके। सिलाने वाले हाँ, गांवों में जाते हैं तो मैडम लोगों की वो सहानुभूति होती है, दया की भावना से देखते हैं कि बच्चा ऐसा है, होशियार है, एंड में जाके उनको वो बोलते हैं कि यार ये तो ब्लाइंड हो गया, इनको भगवान ने कैसा कर दिया, इतना होशियार था, तो वो दया के पात्र से देखा जाता है ब्लाइंडों को। लेकिन घर में ऐसी समस्या क्योंकि उनको मालूम है मेरा भाई ब्लाइंड है वो है, और मैं पढ़ाई भी कर शिक्षा से जुड़ा हुआ था जी, तो वो भी उनको है कि भाई हाँ ये एक न एक दिन सक्सेस हो जाएगा। और घर वालों ने भी मेरी शिक्षा पे जोर दिया कि भाई इसको दिखाई नहीं देता है तो इसका माध्यम यही है शिक्षा, इसके माध्यम से ये इसकी लाइफ बनाएगा, तो उन्होंने रेगुलर मेरे को पढ़ाई करवाई। आप जब माउंट आबू की ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे जी, वहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जी, ये कुर्सी वगैरह बुनना, मोमबत्ती बनाना, फिनाइल बनाना, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें भी सीखा आपने? जी मैम, मैं जब माउंट आबू में आया तो मैं 8 पास था, जो माउंट आबू का जो विद्यालय है वो 8वीं तक ही था। अच्छा, तो क्लासें तो वहाँ की मेरी पूरी हो चुकी थी और वहाँ एक कंप्यूटर शिक्षा भी वहाँ करवाते हैं जी, तो उसके लिए वो 10th पास मांगते हैं जी, तो मेरे पास वो था नहीं जी, अभी ना इधर का था ना इधर का था और मेरे वो 12 महीने भी निकले, मैं सिर्फ वहाँ इसलिए गया था कि मेरे को ब्लाइंड फील्ड के बारे में जानकारी भी मिले और ट्रेनिंग भी मिले जी, तो मेरे पास एक ही रास्ता रहा जो जनरल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सारा सिखाते, कुर्सी बनाना जी,
चौक बनाना, ये मोमबत्ती बनाना, थोड़ी ब्रेल सिखाना। तो ब्रेल सिखाने में भी उस टाइम मेरी एज लगभग 15 साल की थी। तो जब मैं मैडम माउंट आबू में आया तो 4 दिन तक तो बार रोता रहा, क्योंकि घर से मैं पहली बार बाहर निकला था। पर अपने पास में जो ग्लोबल हॉस्पिटल है जी, वहाँ स्कूल में उस टाइम सुविधा नहीं थी फोन की, हम छोटे बच्चे थे, हमारे पास फोन नहीं थे, तो फोन करने के लिए वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में जाते थे। तो जब फोन करने के लिए जाता था तो मैं घर वालों को रो के बोलता था कि मेरे को तो लेने आओ, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो मेरे साथ ये भवर वगैरह रहते थे तो ये कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दो, इसको लेने नहीं आना, ये एकदम ओके है, वापिस ये फोन ले लेते, उनको बता देते थे। ऐसे करके मैं 4-5-6-7 दिन निकाल दिए बिना खाने ने से, और धीरे धीरे मेरा वहाँ मन लगने लगा। और उसके बाद तो टीचर लोग बोलते थे कि ये आया था तब कैसा था, अब तो एक्टिव हो गया है, वो इसको का टंकी का पानी यहाँ का लग गया है। जी, तो फिर वो सब चीजें सीखा आपने? जी, म्यूजिक वगैरह सब सीख लिया जी, 12 महीने में सीख लिया था। और ब्रेल सीखने के लिए हमारे साथ में एक और लड़का था जी, वो और मैं दोनों मैथ सीखते थे कि पहले अल्फाबेट कौन सीखता है, तो उस हिसाब से मैंने वो जल्दबाजी में वो ब्रेल भी सीख ली कम समय, और 12 महीनों में ट्रेनिंग करके वहाँ से निकल भी गया। माउंट आबू की जो ब्लाइंड स्कूल है उसमें तो बहुत सारी किताबें हैं ब्रेल में जी, तो आप किताबें भी पढ़ते थे? जी, कॉन्टेक्ट सेंटिंग वगैरह किताबें भी मैं पढ़ता रहता था। अभी भी मैं ब्रेल का साथ मैंने किया हुआ, टेक्नोलॉजी भी आई है, लेकिन अभी भी जैसे मैं बाहर वगैरह जाता हूँ जी, मार्केट में कोई काम के लिए, स्कूल के काम भी रहते है, वो भी रहते है, तो मैं क्या करता हूँ कि उनको ब्रेल में लिख लेता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ ब्रेल में। अच्छा, और उस ब्रेल को मैं लेके जाता हूँ बाहर, और उसके माध्यम से मेरे क्या क्या कार्य है जी, वो कार्य मैं संपूर्ण पूरे करके घर आता हूँ। ओके, मतलब जैसे आम लोग अभी भी मैंने अपनी दैनिक जीवन में ब्रेल का उपयोग मैं करता हूँ। ओके, अभी भी है आपके पास ब्रेल? जी है, मेरे घर पे स्लेट है, ब्रेल स्लेट है जी। तो आपने म्यूजिक भी सीखा? म्यूजिक में मैडम इतनी रुचि नहीं है, लेकिन गांवों में है तो वो जाते रहते हैं भजनों में वगैरह जी, तो वहाँ गाते हैं कभी कभी। अच्छा, और सुनने में छोटा था तो मेरे पापा भी भजन गाते तो उनके साथ में जाता रहता था। लेकिन आपने म्यूजिक नहीं सीखा? नहीं सीखा, क्योंकि मैडम मेरे को समय भी नहीं मिला, वो किया नहीं, उसके बाद मैंने पढ़ाई की, वो है मैं अपना जीवन है जो बनाने में लगा हुआ था। और मेरे को मैडम कंप्यूटर शिक्षा लेने की भी बहुत इच्छा थी, क्योंकि मैं उस टाइम तो मैं ले नहीं पाया माउंट आबू, और उसके बाद लगातार मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मेरा कम ही उम्र में मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन भी हो गया, उस टाइम मेरी 23 साल की एज थी, तब मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद तो वो समय मिला ही नहीं सीखने का, स्कूल जाते थे। अभी भी रुचि है कि मैं अपना कंप्यूटर का कोर्स करूं, और जो टीचरों के माध्यम के कार्य द्वारा मैं कार्य करता हूँ जी, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने सेम करूँ अपना कार्य। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आप अभी भी अकेले ट्रैवल करते कहीं पे भी जाना? जी मैम, स्टेट के सारे मैं अपनी ट्रैवल कर लेता हूँ। तो आपने क्या ये जो फिनाइल बनाना ये सब चीजें भी सीख लिया? फिनाइल मैडम मैं फिनाइल नहीं बनाता, मैं ये हैंडीक्राफ्ट में जो कुर्सियाँ बनाना ये सीख गया, शौक, और मोमबत्ती। अच्छा, और ब्रेल। तो फिर ये चीजें बनाते हैं आप अभी? अभी मैडम है वो स्कूल में जाते तो वो समय नहीं मिलता, लेकिन मान लो आसपास की स्कूल में कुर्सियां वगैरह टूट जाती है जी, तो हेल्प के मारे अपने पास चीजें पड़ी है तो उनको बना के मैडम दे देता हूँ। ओके, कितनी सुंदर बात है। वो है कि मैडम जो चीजें सीखी है उसको मैं दूर करने के नहीं कर तक, जब मेरे को मौका मिलता है तो उस कार्य को मैं कर लेता, मौका छोड़ता नहीं, ताकि अपने भी वो अपडेट हो जाता है कि चलो अपन बना रहे, फूले नहीं है जी। अच्छा है, तो जब आपकी रोशनी कमजोर हो गई है और पूरी तरीके से चला गया, तो आपके पिताजी ने ट्राई नहीं किया कि उनको ठीक करवाए ये सब चीजें? एक तो मैडम वो जो आसपास के जो हॉस्पिटल थे वहाँ बताई होगी तो वहाँ इलाज संभव नहीं था। लेकिन 2003 में मैं पहली बार माउंट आबू वगैरह तो मैंने बता दिया था, लेकिन 2003 में मैं बॉम्बे मैंने इंदिजा हॉस्पिटल में अपनी आईज बताई, तो उन्होंने भी कहा कि भाई है इसमें संतुष्टि करो। अच्छा, फिर आगे इम्प्रूवमेंट नहीं इसकी, इसकी ठीक नहीं होगी आगे, तो उसके बाद मैंने वो इलाज कराना भी बंद किया। लेकिन गांवों में थोड़ी रूढ़िवादिता भी होती है कि भाई भोपे के पास जाओ वहाँ जाओ वो ठीक होगी, लेकिन मैंने मैडम आज तक उसका समर्थन नहीं किया। चलो, मतलब पिताजी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इन सभी चीजों में विश्वास भी नहीं रखते थे जी। पिताजी रखते थे सर, घर से कहते थे, लेकिन मैं इग्नोर कर देता। अच्छा, आप करने नहीं देते थे? बहुत अच्छा। तो फिर आपकी भाई बहने कभी ऐसे नहीं बोलते थे आपको भोपा के पास जाना है ये सब? पेरेंट्स बोलते थे लेकिन मैं सब तो नहीं करता था, कि भाई उनके पास जाके भाग्य में जो किस्मत में लिखा है मैम वो अपन को भुगतना ही है, कहीं भी जाओ जी। और भगवान किसी को मैम दुख नहीं देता है, अपन कहते कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वो किया, लेकिन भगवान करता है वो सदा अपने साथ बुरा करता है कि उसको भी मैडम अच्छा समझ के कर लो, क्योंकि
अपने साथ जो बुराई होती है उसके पीछे मैडम अच्छाई भी छुपी हुई होती है। उसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक मेरा दोस्त था जो फिलहाल अभी उदयपुर में है, जो भोपाल सागर के सागर ब्लॉक है, वहाँ उसकी पोस्टिंग है सेकंड ग्रेड में। एक मेरा और दोस्त था उसकी थर्ड ग्रेड में, तो दोनों ने साथ में थर्ड ग्रेड में पहले एग्जाम दिया 2018 वाली जीट में। तो एक का तो हो गया, एक का नहीं हुआ, जो छोटा था उसका हो गया और बड़ा था उसका नहीं हो गया, तो मेरा तो क्या सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्या? पता नहीं कि तू इससे भी आगे निकल सकता है तो नहीं होने के रहे, पर उसने तैयारी की और उसका सेकंड ग्रेड में हो गया और वो आगे तो बुरा हुआ। उसके पीछे भी मैडम अच्छा ही सीखी हुई थी। जी सो जितेंद्र जी, जी आप बहुत सरल तरीके से इतनी सारी बातें बताई, लेकिन वो इतने सहज नहीं है जितने सरल तरीके से आपने बताई, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आपके अंदर? मैडम मेरी हमेशा रही है कि मैं समस्या को जूझूं, समस्या आती है तो मैं उसका सामना कर कहीं भी जाए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन अपन को मौका मिलता है तो उसको छोड़ो मत, मेरी हमेशा रही। मेरे जो टेट का एग्जाम था तो उसमें भी मेरे फॉर्म की प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्या हुआ उसमें कि मेरे जनरल से तो 60% चाहिए थी, 90 नंबर, मेरे आ गए थे 88 नंबर। उसके बाद भी मेरे को असफल घोषित कर दिया गया। अच्छा। क्योंकि मैं जो कोई फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं, उसमें मेरे को ब्लैंक भरना था लेकिन मैंने नहीं भरा, नॉन भर दिया, कैटेगरी में जनरल भर दिया वहां नॉन भर दिया, तो समस्या आ गई, सिलेक्शन हुआ नहीं। तो इधर इधर से मैंने फोन करके साथियों को पूछा कि ब्लैंक को 40% ही चाहिए और तेरे 88 नंबर है, लगभग 58 के बराबर परसेंट है, तो भी क्यों नहीं हुआ? तो मैडम मैंने अपने साथियों को, एक साथी को फोन किया, वो मेरे साथ अजमेर आया और वहां से मैंने संशोधन करवाया और अपनी मार्कशीट लाई। ऐसे संघर्ष करता रहा और उसमें भी सफल हो गया, वो जो मार्कशीट थी वो पोस्ट द्वारा पास होकर आ गई। तो संघर्ष मैडम जिंदगी है, लेकिन अपन को संघर्ष करना पड़ेगा, भले इधर हाथ पैर मारने पड़ते हैं, इधर फोन करने पड़ते हैं, इधर से उधर जानकारी लेनी पड़ती है, लेकिन हाथ पैर मारने से अपन को मैडम सफलता अवश्य मिली। एक मैडम मैंने देखा कि जो ब्लाइंड जीवन में समस्या तो हर पहलू पे आती है जी, जन्म से लेकर उसकी जो जिंदगी मैंने मैडम देखा वो संकटपूर्ण जिंदगी होती है। कोई सामाजिक पहलू देखो, शादी के टाइम की बात होती है तो वो देखो, समाज स्वीकार करता नहीं है, ब्लाइंड है जी, तो उसको संघर्ष, जो हमारे ही प्रोग्राम आते रहते आपके जी, तो वही कहानी मेरे साथ भी हुई है। अच्छा। तो क्या कि जब मैंने जॉब हो गई, हर किसी, चलो जॉब के पहले तो अपन मैडम नहीं सोच सकते कि भाई शादी भी करे तो काफी समस्याएं भी आ जाती है जी, लेकिन अपने पास रोजगार हो जाता, हथियार आ जाता है, तो उसके बाद मैडम जिंदगी अकेले पर निकालनी भी मुश्किल होती है। तो मेरे जब शादी का सोचा तो घर वालों को बोला, भाई देखो आप, तो घर वालों ने भी प्रयास भी किया, उधर इधर पूछा, लेकिन उन्होंने भी वो स्वीकार, समाज ने नहीं किया कि भाई ये तो ब्लाइंड है, भले 1 लाख कमा रहा लेकिन ऊपर से के ब्लाइंड है। गाँव में दयनीय स्थिति है, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति आ गई है मैडम, लड़कियों की समस्या आ गई, जो नॉर्मल बंदे होते हैं वो भी दिव्यांग लड़की को स्वीकार कर रहे हैं, लड़कियां नहीं मिल रही है लिंगा अनुपात में कमी होने के कारण। तो मैडम बाद में मैंने सोचा, 3 साल तक समय उनको दिया, 2013 में पोस्टिंग थी और 16 तक जी, और एक जो रोका मैडम जो होता वो मैंने कर रखा था 8 क्लास में, क्योंकि गांवों में छोटे छोटी उम्र में कर लेते रिश्ता फिक्स कर लेते कि इस लड़की के साथ इसका होगा, तो मेरा नॉर्मल लड़की के साथ हुआ था, तो 12 महीने तो वो मैडम चल गया। उसके बाद इधर इधर से वाया मीडिया, किसी ने कहा होगा भाई ये ब्लाइंड है, उनके कहा देखा भी था उन्होंने, लेकिन मेरे को उस टाइम पे पार्शली ब्लाइंड था, काफी दिखाई देता था, तो उन्होंने चीज मांगी वो मैंने देख ली, उनको संतुष्टि हो गई कि बच्चे को दिख रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने वाया मीडिया वो खबर सुनी होगी, उसके कारण उनके मन में शंका बैठ गई कि बच्चा ब्लाइंड है, ने क्या करेगा, ने अपनी लड़की को कैसे पालेगा नहीं। उसके कारण जो मेरे वो ससुर थे वो आए मेरे घर पे और मेरे पापा को बोलने लगे कि ये तो ब्लाइंड है, जो हमारी जो लड़की है वो अपना मुंह उतार रही है, तो क्या क्या करे? तो पापा ने कहा कि भाई आपको रखना, जबरदस्ती तो मैडम रख नहीं सकते किसी का रिश्ता, और वो आगे सक्सेस भी नहीं होगा। और उन्होंने ससुर ने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब की अगर गारंटी लेते हो तो हम क्या शादी कर लेते, लेकिन 8 क्लास में मैडम गारंटी भी नहीं ले सकते, क्योंकि कई साथी है जो बीएड किए हुए भी बेरोजगार है, तो गारंटी भी नहीं ले सकते थे। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई चलो नहीं बनता है, उन्होंने कहा भाई आपको मन है तो करो, नहीं तो छोड़ दो भाई। तो उन्होंने वो रिश्ता जो हमारे जो आभूषण वगैरह भेजते है वो लेके आए, उनको हमें दे दिए उनके, मेरी जो साटा साटे वाला होता, मेरी सिस्टर थी छोटी, वो मेरे साटे में दी हुई थी मेरे साले, लेकिन वो दोनों का रिश्ता उस टाइम टूट गया।
और उसके बाद वो मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया कि अभी इन्होंने गवर्नमेंट जॉब का ताना मारा है, तो वो भी मैंने माइंड में ले लिया कि अब इनको गवर्नमेंट जॉब लेनी है और लक्ष्य बना दिया मैंने। बाद में मैंने आसपास में कोई एग्जाम दिए ही नहीं, पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई होने पूरी होने के बाद भी मेरी वो सिलेक्शन हो गया, तो मौका ही नहीं मिला दूसरे एग्जाम देने। सो जितेंद्र जी, अंत में जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के जरिए, उन्हें आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में समस्या कई आएगी, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते हुए इन समस्याओं से मैडम सीखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो वो अपन को सीख दे के जाती है। समस्या आएगी नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, तो अपन को सीखने को मिलेगा ही नहीं। और अपन काम करेंगे तो दुनिया बोलेगी, तो दुनिया की परवाह ना करते हुए अपना जो लक्ष्य है, अपन को मन में लग रहा है कि हम फर्स्ट है, हम सही कर सकते हैं, अपने मन में अपन को लग रहा है कि ये कार्य सही है, तो अपन को कर लेना चाहिए, ना कि दुनिया को सुन ना सके। कि समाज में रूढ़िवादिता भी होती है तो अपनी रुकावट भी बन जाते हैं कहीं ना कहीं, उन रुकते हुए ना और समस्याओं का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आज हमारे साथ रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आए और मन की आंखों से कार्यक्रम के जरिए आपने सभी से मुलाकात की और आप अपना परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।